हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए आज लेके आया हूं गेस फ्लिपकार्ट। सबको पता ही होगा फ्लिपकार्ट सेल चल रही है, सारे लोग भर के शॉपिंग कर रहे होंगे, फेस्टिवल टाइम है। तो मैंने भी कुछ ड्रेसेस मंगाए हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूं और मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मुझे कैसा लगा प्रोडक्ट। सो माई फर्स्ट आइटम इज दिस HRX जैकेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स क्वाइट कूल, क्योंकि ठंडियों का दिन आ रहा है तो सबको जैकेट चाहिए, मुझे भी चाहिए। सो मैंने ये मंगाया जैकेट। सो ये रही जैकेट, दिस इज द ब्लू कलर जैकेट। फैंसी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये रही मैं दिखाती हूँ। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ चैन, जो काफ़ी अच्छी है। हुड दे रखा है, बस मुझे इसमें एक चीज़ पसंद नहीं आई, ये जो इसका मटेरियल दे रखा है ना, दिस वन नेट, ये काफ़ी सस्ता लगता है, चीप टाइप थोड़ा मतलब, बट ठीक है, इस दाम में तो इतना ही मिलेगा तो मैं मैनेज कर लूँगी। और ये फुल स्लीव है एंड दिस इज द रबर, अच्छा है, मीन्स कंफर्टेबल है, वॉर्म है। बैक ये है, ये दाम बैक, बैक में ऐसे कुछ डिज़ाइन दे रखे हैं, दिस वन अच्छा लगता है पहनने पे, बहुत प्यारा लुक आता है, कलर भी काफ़ी डिसेंट है। और नीचे में ये ऐसे रबड़ नहीं है, नीचे ये पैटर्न है, आपको दिखा रही हूँ। दिस इज द ओके, सो द फर्स्ट वन इज दिस जैकेट। मैं इसका प्राइस नीचे आपको दिख रहा होगा, सो दिस इज व्हाट इज द प्राइस। सो दिस इज द फर्स्ट आइटम HRX जैकेट। सो सेकेंड आइटम इज दिस जींस, ब्लू जींस, ब्लू रिप जींस, एक्चुअली स्किनी फिट। सो ये जींस है एंड कलर बहुत प्यारा है, रिप्ड है, ये ऊपर की ओर एक है, देन नी के पास है, नीचे में ऐसे सिंपल है, बट फिटिंग बहुत प्यारा है। इसमें भी एक रिप दे रखी है यहाँ पे नी के पास। ये रहा बैक, दिस इज द बैक, इसकी प्राइस भी आप नीचे देख सकते हो। तो फिटिंग अच्छा है, कलर अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो इस दाम में, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट डील फॉर मी। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, मैं ये रख रही हूँ। द थर्ड वन इज दिस लाइट ब्लू जींस, पहला वाला थोड़ा डार्क था बट ये वाला थोड़ा लाइट है, ये वेरो मोड़ा से है। तो इस प्राइस में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसकी क्वालिटी भी ठीक है, मीन्स आपको ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल है या फिर इचिनेस है, आपको मज़ा नहीं आ रहा पहन के। फिटिंग ऑसम, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये भी थोड़ी रिब्ड है, यहाँ पर डिज़ाइंस है, यहाँ पर है, और सबसे प्यारा ये जो नीचे का डिज़ाइन है ना, ये बहुत प्यारा लगता है, नीचे कटिंग और रिब दे रखे हैं, तो ये जब आपके नीचे पैर पे जाता है तो इट्स वाओ, अच्छा लगता है। तो दिस इज द डिज़ाइन, दिस इज द लुक, ये रहा बैक में। तो ये जींस को मैं 8 out of 10 दूंगी, आप भी ट्राई करो, ये जींस काफ़ी अच्छी है, लुक भी अच्छा आता है एंड अच्छा है, कंफर्टेबल है। तो तीन आइटम, दिस इज द फोर्थ वन। ये मैंने स्कर्ट देखा था रेड कलर का, जो मुझे फ़ोटो में तो बहुत प्यारा लगा था, सामने में भी प्यारा है, अच्छा है, यहाँ इलास्टिक है कमर के पास, आगे में पीछे इलास्टिक है, आगे ऐसी प्लेन है और एक स्लिट दे रखे हैं नीचे में ऐसे, यहाँ पर नी के पास से, ज़्यादा पैर तो आपका नहीं दिखेगा बट नी के पास से, नी के थोड़ा सा ऊपर, घुटना घुटना के ऊपर से। तो अच्छा है क्वालिटी, मगर ये सी थ्रू है, अगर आप सनलाइट में जाओगे तो दिस इज़ अन सी थ्रू मटेरियल। सो मैं तो इसे रिटर्न कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक, आपको मैं तो नहीं बोलूँगी आप इसे परचेज करो, अगर हाँ नाइट में आप पहन सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो मुझे डे में पहनना है तो क्वालिटी उस लेवल की नहीं है कि आप डे में पहन सको। इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर इन नाइट, इट्स ओके, यू कैन टेक इट। सो दिस इज द आइटम। द लास्ट वन इज दिस, मैं इसे बहुत दिन से देख रही थी बट फाइनली मैं इसे मंगा लिया घर में पहनने के लिए, सर्दियों के दिन आ रही है, बट मुझे इसका मटेरियल नहीं अच्छा लगा, स्टिचिंग भी बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, ये ऐसे ऊपर इलास्टिक दे रखी है, कॉमन प्रिंट है, नीचे ये प्लाजो विद पैंट स्टाइल, बट इसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं है एक्चुअली, ये यहाँ से फिटिंग कुछ सही आती नहीं है, लुक का प्रॉब्लम है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, स्टिचिंग का प्रॉब्लम है या क्या है, आपको अभी देखने में भी लग रहा होगा कुछ तो है इशू यहाँ स्टिचिंग का। तो ये थोड़ा पहनो तो अपना उठ जाता बीच से पैर से, तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, अब घर में भी अनकंफर्टेबल रहता है और काफ़ी ऐसा लगता है लो वेस्ट है।
सो दिस वन आई डोंट लाइक, मैं इसे भी रिटर्न कर रही हूँ। तो फिलहाल इतना ही है। और मैंने बहुत सारी ड्रेस मंगाई हैं जो इतनी ख़राब क्वालिटी की निकली कि मैं दिखाई ही नहीं। तो अभी नेक्स्ट दिखाती हूँ जो भी हो। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार। ओके देन बाय बाय।